ओके गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आज हमारा टॉपिक चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का ही है। हमने पिछले क्लास में चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से रिलेटेड दो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। पहला वीडियो हमारा अपलोड हुआ था चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का और दूसरा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स को बांटने का। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेस ऑफ लायबिलिटीज के बारे में है। अब बात ये है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेस ऑफ लायबिलिटीज क्यों करना, हम क्यों करेंगे अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू या रीअसेस? तो खुद ही सोचो, आप सोचिए कि अगर आपने आज कोई एसेट्स खरीदा है 5 लाख रुपए का, क्या आज से 5 साल बाद या आज से 3 साल बाद या आज से 4 साल बाद वो 5 लाख का ही होगा या कम या ज्यादा हो जाएगा? समझ में आ रहा है बात? इसी कारण से जब कभी हमारा फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होता है, यानी फिर से नया कोई एग्रीमेंट होता है या नया कोई पॉलिसी बनते हैं, तो हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना पड़ता है। इसी से रिलेटेड हमारे टॉपिक है, क्यों करेंगे, किस किस कारणों से होता है, कब कब करना पड़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। चलो जल्दी से साथ साथ लिखना शुरू करो। जब आप पूरा कंप्लीट लिख लोगे एक बार में हम समझा लेंगे। लिखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये है हमारा टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, इन द इवेंट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, इन द इवेंट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, the assets are in the event of reconstitution of firm, the assets are revalued and liabilities are reassessed and liabilities are reassessed. Second amendment, revaluation account is an account showing profit and losses on revaluation of assets, loss on revaluation of assets and reassessment of liabilities. Third point, revaluation account
इज नॉमिनल अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट इन नेचर नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स and decrease in the value of liabilities value of liabilities increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities are credited credited to revaluation account credited to revaluation account because it is gain that is gain next decreasing value of assets and increase in the value of liability are debited to revaluation account debited to revaluation account because it is loss. Next point. Unrecorded assets. Unrecorded assets and liabilities. Unrecorded assets and liabilities are also recorded through revaluation account. Recorded through revaluation account. Next one, unrecorded assets. Are recorded in unrecorded assets are recorded unrecorded assets are recorded as increase in assets and unrecorded asset liabilities unrecorded liabilities are recorded as recorded as income sorry as increasing liabilities
जल्दी से ये लिखना है। नीड फॉर रिवॉल्यूशन नीड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज need for revaluation of assets and liabilities on reconstitution of partnership form. Second, ये हमने एक टॉपिक किया, ये हमारा दूसरा नंबर टॉपिक है। हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट आज स्टार्ट किए हैं, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा दिख जा रहा है ना, इतना छोटा छोटा लिख दे रहे हम। हाँ दिख रहा है, चल ठीक है फिर। देखिए, नीड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। अब हमें बात करना है कि क्यों जरूरी है। हमने पहले क्या बात किया, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम कौन कौन से काम करते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के केस में, ठीक है। पहले इतने समझते हैं, उसके बाद इसे भी करेंगे। समझिए एक एक करके, क्या आप लिख लिए हो? अगर नहीं तो पॉज करके लिख लेना, बहुत आराम आराम से लिख रहे थे, कोई हड़बड़ी नहीं था। फिर भी अगर नहीं लिखे हो तो लिख लेना। इन द इवेंट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, सबसे पहला बात, इन द इवेंट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का मतलब क्या, आपको पता है कि हमारा पार्टनरशिप फॉर्म कब कब रिकंस्टिट्यूट होता है? जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, या फिर जब किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है, या रिटायरमेंट होता है, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर ना तो एडमिशन हुआ है ना ही रिटायरमेंट हुआ है, जो पहले से पार्टनर है वो अपने डीड में या फिर अपने एग्रीमेंट में कोई चेंज कराना चाहता है, जैसे रेशियो चेंज या फिर और भी कोई भी चेंजेस होता है, तो उस समय हमारा फॉर्म रिकंस्टिट्यूट होता है। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, द एसेट्स आर रिवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेट्स, यानी एसेट्स के वैल्यू को रिवैल्यू करना होगा और लायबिलिटीज को रीअसेस करना होगा। क्यों करना होगा, यहां पे बात करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेस ऑफ लायबिलिटीज। क्या बोला, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि हमने जो रीअसेस किया है लायबिलिटीज का या रिवैल्यू किए हैं एसेट्स का, उससे जो होने वाला हानि या लाभ है उसको हम दिखा सके, उसे हम निकाल सके। उसके बाद रिवैल्यूएशन, अब अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट और लॉस, तो हमारा कौन सा अकाउंट हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब अगर नॉमिनल अकाउंट है तो जब कभी भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा, एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो हमारे लिए फायदा है, और अगर लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरे लिए नुकसान। बात समझ में आता है, अगर एसेट्स बढ़ा है तो फायदा और लायबिलिटीज बढ़ा है तो नुकसान। क्योंकि अगर मान लो ये पेन हमने 10 रुपए में खरीदा, आज इसका दाम हमसे कोई खरीदने वाला है और बोले कि हम इसे 15 में खरीद लेंगे, क्या हमें फायदा होगा या नुकसान? बिल्कुल फायदा होगा 5 रुपए का। वही बात बोला जा रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ध्यान रखना, ये क्या बोला कि अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज होता है, अगर वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर वैल्यू इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन। क्यों? क्योंकि फायदा हमेशा क्रेडिट होता है। नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ रखा है, अगर ये नॉमिनल अकाउंट है तो नॉमिनल अकाउंट में क्लास 11th में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से, डेबिटेड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिटेड ऑल इनकम्स एंड गेन। अब वो ट्रेडिशन खत्म, अब हमें नया अप्रोच लगाना है।
कि जब कभी भी फायदा होता है, वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ेगा, तो हमने क्या पढ़ा है, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट, बताओ जल्दी, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट और डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट। अगर एसेट्स इंक्रीज हुआ है तो एसेट्स डेबिट और किसको करेंगे क्रेडिट, थोड़ी ना हमने खरीदा है जो कैश को क्रेडिट या क्रेडिटर्स को क्रेडिट कर दे, हमारे तो बुक वैल्यू बढ़ा है, बुक वैल्यू को बढ़ाने के लिए हम किसे क्रेडिट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। ओके, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, अगर वैल्यू डिक्रीज किया है एसेट्स का और लाइबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज किया है तो हम लॉस मानेंगे उसे और उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, हो सकता है ना कि हमने एक एसेट्स खरीदा, अभी खरीदा है और बुक में आया ही नहीं, और आज ही हमारे पास कोई नया पार्टनर आकर के बोल रहा है मे आई कम इन, तो क्या हम उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को छोड़ दें या रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स रहा है या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज रहा है तो उसे भी रिकॉर्ड करेंगे थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कौन से रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रिकॉर्डेड एज इंक्रीज इन एसेट्स, और जब इंक्रीज होता है एसेट्स तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एज इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, और अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिटेड ऑफ रिवैल्यूएशन। ये दो चीजें आपको याद रखना है, यही दोनों मेन टॉपिक आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में काम आएगा या फिर जर्नल एंट्रीज के टाइप पे काम आएगा। अगर ये दोनों आपको याद रहते हैं तब तो फिर कहना ही नहीं, रिवैल्यूएशन एकदम आसान। अब हम करेंगे क्यों करना पड़ रहा है, ये का लिखिए। पॉइंट नंबर वन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स might have increase or decrease at the time of reconstitution at the time of reconstitution। Second, present value of assets might have increased or decreased at the time of reconstitution। Second point, there may be some expenses outstanding or prepaid at the time of reconstitution। Third number point. There may be some unrecorded assets and liabilities. There may be some unrecorded assets and liabilities on reconstitution। Which are to be taken into account। Point number कौन सा, four।
देयर मे बी रिक्वायरमेंट फॉर देयर मे बी रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग provisions. There may be requirement for creating provisions for bad and doubtful debts. Note. When revaluation account is prepared, assets and liabilities are shown in the balance sheet. कौन सा balance sheet का बात हो रहा है? New वाला balance sheet. Balance sheet of the reconstituted firm at the year. Revised value. क्या दिख रहा है या बड़ा करें? सर थोड़ा बड़ा कर दीजिए. ओके, शुरू से दिखा देते हैं एक बार. देख लीजिए शुरू से. ओके, लिख लियो इस साइड. इस साइड भी देखिए. क्या है? नीड फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ होम फॉर व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट्स माइट हैव इंक्रीज और डिक्रीज एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन. अच्छा, ये समझाया नहीं इधर वाला, है ना? लिख लो जल्दी से, उसके बाद समझा भी देंगे. जल्दी से लिखिए. क्या लिख लिए हो? देखो क्यों जरूरी है, क्यों जरूरत पड़ता है रिवैल्यूएशन का. जब हम रिकंस्टिट्यूशन करते हैं अपने फॉर्म का, यानी जब कभी भी रिकंस्टिट्यूशन होता है फॉर्म का, तो एसेट्स और लायबिलिटीज का, एसेट्स माइट बी इंक्रीज और डिक्रीज, एसेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू या तो बढ़ा हुआ हो सकता है या घटा हुआ हो सकता है. जो हमने अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करके रखा है उससे चेंज हो सकता है. तो इसी कारण से पहला कारण तो ये निकलता है. दूसरा, देयर मे बी सम एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड. अगर हो सकता है कि हमने कोई एक्सपेंस अभी पेड नहीं किया है या फिर ज्यादा पेमेंट कर दिया है, बाद में पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, इसके कारण से हमें जरूरत पड़ता है रिवैल्यूएशन का. तीसरा नंबर, देयर मे बी सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ है तो रिकॉर्ड करेंगे कब? रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे.
देयर मे बी रिक्वायरमेंट फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। देखो अब हमने मान लो कि अपना डेटर्स बना रखा है 50 लाख रुपए का, और हमें ये भी पता है कि उस 50 लाख में से 1 लाख का डेटर्स हमें पैसे नहीं देगा, क्या उसके प्रोविजन हमें बना लेने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए, लेकिन हमने नहीं बनाया तो जरूरत पड़ रहा है इसका प्रोविजन का। उसके बाद हमने एक अलग से नोट लिखा है, ये नीड फॉर, ये 4 पॉइंट ही है, नीड फॉर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ, सॉरी नीड फॉर रिवॉल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म का, ये सिर्फ 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। उसके बाद नोट में हमने लिखवाया when revaluation account is prepared, assets and liabilities are shown in the balance sheet of reconstituted firm at their revised value. इसका क्या मतलब हुआ सर? यानी कि जब आप revaluation account बना दोगे तो आपको balance sheet में जो value revaluation के बाद आएगा ना, वो वाले value लिखने हैं, ये नहीं कि पुराना value लिखते चले जाओ। ओके, हाँ सर। अब हम करेंगे accounting entries, क्या हटा देंगे? अब हम करेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। ओके, अकाउंटिंग एंट्री कर, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, उससे रिलेटेड कौन कौन से जर्नल आएगा उसके बारे में डिस्कशन कर। लिखिए मेरे साथ अकाउंटिंग एंट्री। अकाउंटिंग एंट्रीज थोड़ा बड़ा कर दें क्या? अभी ठीक है? फर्स्ट नंबर पॉइंट बताओ क्या क्या होगा, रिवैल्यूएशन कर रहे हो क्या क्या आएगा? सबसे पहला काम क्या करना होगा, जो एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर कोई वैल्यू डिक्रीज हुआ है एसेट का तो बताइए आपके लिए फायदा या नुकसान? इट इज लॉस। वैल्यू घटा है ना, घटा है तो क्या होगा? लॉस। और लॉस हुआ है तो क्या एंट्री बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। टू, जिस एसेट्स का वैल्यू घटा है, एसेट्स बाय नेम, हम एसेट्स सिर्फ नहीं लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे, जैसे अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर, लैंड है तो लैंड, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, बाय नेम। यहां पे एसेट्स की जगह उस एसेट्स का नाम ही लिखेंगे। बी, assets decrease, bin assets decrease, second number point, for increase in the value of, increase in the value of assets, अगर value बढ़ा है तो ये हमारे लिए क्या है? It is gain, ये हमारे लिए फायदा, इट इज गेन। एंट्री आपको बताने हैं, एंट्री आपको बताने हैं कि क्या होगा एंट्री, बताइए जल्दी से क्या एंट्री बनेगा? एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये भी एसेट्स जो लिखे ना बाय नेम ही लिखना है, सारे जगह नाम, एसेट्स अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसे करेंगे? टू, रिवैल्यूएशन बिन एसेट्स इंक्रीज, थर्ड पॉइंट फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो हमारे लिए क्या होगा? लॉस।
अब जैसे यहां पे की वैसे ही यहां करेंगे, लॉस हुआ है तो क्या एंट्री बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बताओ क्या? लायबिलिटीज बाय ने बी लायबिलिटीज इंक्रीज सर कितना एंट्री आएगा? बस तीन एंट्रीज और। अब देखो पहले वाले बात में हमने डिक्रीज किया एसेट्स को, इंक्रीज किया एसेट्स को, लायबिलिटीज का अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो लायबिलिटीज के अमाउंट भी डिक्रीज होगा। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एसेट्स डिक्रीज हुआ ना लायबिलिटीज, ये हमारे लिए क्या है? इट इज गेन, ये गेन। अगर लायबिलिटी घट जाए अपने अपने खुद ही घट गया, हमें घटाना नहीं पड़ा तो मेरे लिए फायदा ना, किसी को पेमेंट करना था अब नहीं करना पड़ेगा तो ये हमारे लिए फायदा है। इसके लिए क्या एंट्री बनाएंगे? लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, इसमें भी बाय नेम ठीक है ना, लायबिलिटी का नाम लिख लिए टू रिवैल्यूएशन, टू रिवैल्यूएशन बी लायबिलिटीज इंक्रीज सॉरी लायबिलिटीज डिक्रीज। जल्दी से लिखिए, मुकाबला जारी, मुकाबला जारी, जल्दी लिखना है। कौन बच्चा पहले करता है ये भी देखना है। पॉइंट नंबर फाइव क्या आएगा? पॉइंट नंबर फाइव बताओ, हमने लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर लिया, हमने ये सारा काम कर लिया, क्या आएगा? अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटीज है तो उसके बारे में, फॉर रिकॉर्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स और एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब क्या है हमारे लिए? सब गेन, सब गेन। हम एसेट्स नहीं लिखे थे, अभी लिखेंगे फायदा। हमने पहले इनकम, हमारा इनकम बना हुआ है, हमें मिला नहीं, मिल जाएगा बाद में, फायदा। हमने अपने खर्चे को पे कर दिया है, भविष्य में नहीं पे करना पड़ेगा, फायदा। चल प्रीपेड एक्सपेंसेस prepaid expenses, accrued income debit और assets भी debit, जो नहीं लिखा है हमारा by name से, जो assets छूटा हुआ था उसका नाम लिख देंगे, ये सारे के सारे debit और credit revaluation बी recording unrecorded assets, रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स। चल पॉइंट नंबर सिक्स पॉइंट नंबर सिक्स बताओ क्या? फॉर रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड
liabilities and recorded liabilities, outstanding expenses and provisions entry, ये हमारे लिए क्या है? It is gain or loss. ये हमारे लिए loss. और loss है तो क्या entry आएगा? Revaluation account debit. To बताओ क्या है? Liabilities account. To outstanding expenses account. या provisions account. Outstanding expenses or provisions. B. Unrecorded liabilities. Now recorded. Lost. 7 over 1. For transfer of balances in revaluation account. अब ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या? कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई बैलेंस आ रहा है, डेबिट क्रेडिट हमने रिकॉर्ड तो इतने सारे चीजों को कर लिया, अगर बैलेंस आ रहा है तो कौन बैलेंस आएगा? या तो डेबिट बैलेंस आएगा या फिर क्रेडिट बैलेंस आएगा. तो दोनों केस में वो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे किसको? बताओ ये है किसका? ये पहले जो रिकॉर्ड हुआ है वो सारे के सारे किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स को. तो जो भी बैलेंस आता है, डेबिट बैलेंस आता हो तो या फिर क्रेडिट बैलेंस आता है तो दोनों ही केस में पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे. अगर डेबिट बैलेंस आया है इसका मतलब क्या? लॉसेस है. हमने डेबिट पे क्या रिकॉर्ड किया था? लॉस. तो लॉस है, लॉस ट्रांसफर हो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल में. और अगर क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब फायदा हुआ है और फायदा भी ट्रांसफर हो जाएगा. वे नंबर पॉइंट वे रिवैल्यूएशन अकाउंट shows profit. Revaluation account shows profit. क्या एंट्री में आएंगे? क्या प्रॉफिट कब शो करेगा? क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड, यानी क्रेडिट बैलेंस आएगा. क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड से, तो क्रेडिट बैलेंस में क्या एंट्री में आएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल. ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो में बचा है. पॉइंट नंबर बी देन रिवैल्यूएशन अकाउंट शोज लॉस. इसका मतलब डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, डेबिट साइड ज्यादा हुआ है. क्या एंट्री बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. डी losses on revaluation debited to partner's capital account.
चलो जल्दी से लिखिए। आज का क्लास बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, टॉपिक भी बड़ा था। हम चाहते हैं कि फॉर्मेट भी बता दें, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट बचा हुआ रह गया है उसे भी करा दें, लेकिन ये और बड़ा हो सकता है, इसीलिए आज रहने दो, ये काम हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। सर वो भी करा ही दीजिए, इंतजार नहीं, हम आज ही करेंगे। ठीक, अगर तुम आज ही करना चाहते हो तो अब 2 मिनट और लगेंगे, बस 2 ही मिनट लगेंगे। अब ये 2 मिनट में आप फॉर्मेट भी सीख जाओ, बस 2 मिनट, आसान है। परफॉर्मा रिवैल्यूएशन, परफॉर्मा रिवैल्यूएशन, देखो कैसा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्मा। बड़े दिन बाद हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, यानी एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज पार्टिकुलर्स अमाउंट जो भी रखना रख सकता है, रुपीज 1000 जो भी रखना चाहते हैं। टू एसेट्स, अगर डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन एसेट्स, बाय एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स। टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। टू लायबिलिटीज इंक्रीज, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो बाय लायबिलिटीज डिक्रीज, इधर लिखा नीचे, अगर लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ है तो। टू प्रोविजंस, प्रोविजंस क्रिएशन ऑफ प्रोविजन, अगर आपने प्रोविजन नया बनाया है तो बाय प्रोविजंस, अगर प्रोविजन डिक्रीज हुआ है तो डिक्रीज इन प्रोविजन। कभी कभी क्या होता है ना, बैलेंस शीट में प्रोविजन लिखा हुआ रहता है लेकिन उतने का जरूरत नहीं रहता, अगर जरूरत नहीं तो हटाना, अगर प्रोविजन हटाना है तो ये, अगर प्रोविजन नया बनाना है तो ये। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी, अगर तीन पार्टनर है तो तीनों में बांट देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये बैलेंसिंग फिगर लिखने का, बैलेंसिंग फिगर बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी, अगर डेबिट का बैलेंस आ गया है तो ये हो गया, फॉर्मेट भी आपने कर लिया। लो, बहुत भारी है ना सर, ना, एकदम आसान, जल्दी से लिख लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर।